बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार की कवायद तेज हो गई है। पार्लियामेंट भंग कर दी गई है। शेख हसीना अभी भारत में ही है। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे के दौरान क्या हुआ? शेख हसीना की कट्टर दुश्मन खालिदा जिया के जेल से बाहर आने का मतलब क्या है? आइए देखते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट टॉप 9। बांग्लादेश में अब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं। लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। एक मॉल को लूट लिया गया। मॉल का मालिक हिंदू बताया जा रहा है। करीब 27 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबर है। बांग्लादेश पर दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि प्रदर्शनकारियों का एजेंडा शेख हसीना को हटाना था। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में मंदिरों, हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में अभी करीब 9000 छात्र मौजूद हैं। भारत सरकार वहाँ की हालत पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन के सिलहट में पैतृक निवास पर भीड़ ने तोड़फोड़ की। मोमिन ने फोन पर टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में इस घटना की पुष्टि की है और अपनी जान को खतरा बताया है। बांग्लादेश में हिंसक भीड़ ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के जिला चेयरमैन मोहसिन रजा को जिंदा जला दिया। ये घटना बांग्लादेश के खुलना के कोयरा में हुई। पार्टी के अन्य नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की संसद को भंग कर दिया गया। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने तीनों सेनाओं की चीफ, सियासी दलों, छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ बातचीत के बाद ये फैसला किया। इस फैसले के बाद अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज जमान के आवास पर अंतरिम सरकार बनाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में सभी दल के नेता शामिल हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैठक में नहीं बुलाया गया। बैठक के बाद एक प्रतिनिधिमंडल शाम को राष्ट्रपति से मिलेगा। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की मांग की जा रही है। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने यह मांग की है। 84 साल के मोहम्मद यूनिस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। बताया जा रहा है कि यूनिस जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की चेयरमैन खालिदा जिया जेल से रिहा हो गई हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया था। शेख हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी जिया को भ्रष्टाचार के मामले में साल 2018 में जेल में डाल दिया गया था। उन्हें 17 साल की सजा सुनाई गई थी। शेख हसीना भारत में कुछ और दिन रह सकती हैं। उनके रहने का इंतजाम हिंडन एयरबेस में ही गेस्ट हाउस में किया गया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से शेख हसीना का मिलिट्री विमान वापस लौट गया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि वो यहाँ से कहाँ जाएंगी। खबर है कि भारत सरकार ने ये फैसला शेख हसीना पर छोड़ दिया है।